नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रश्मि पांडे और आप देख रही हैं न्यूज 30 एक्सप्रेस। देश विदेश से खेल मनोरंजन और राजनीति जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 30 एक्सप्रेस। झांसी के समथर थाना क्षेत्र के ग्राम बसोबई में विद्युत विभाग की लापरवाही से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं अन्य महिलाओं समेत एक व्यक्ति बुरी तरह से झुलस गया, जिन्हें आनन फानन में ग्राम प्रधान द्वारा सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा विद्युत करंट से झुलसे लोगों का इलाज किया गया। तो वहीं सावित्री देवी, जिनकी उम्र 25 वर्ष थी, उनको चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया, जिससे उनके परिवार में कोहराम मच गया। वहीं पड़ोसी धनाराम राजपूत ने जानकारी देते हुए बताया है कि वह घर पर पानी की मोटर के तार लगा रही थी, तभी अचानक 11,000 की हाई टेंशन लाइन का करंट दौड़ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। धनाराम राजपूत मेरा नाम है। कहां के रहने वाले? बसोबई के रहने वाले। क्या हो गया? 11,000 दौड़ गई साहब, गाँव में लाइट, तो उसमें बहू को लग गया करंट। बहू को कैसे लग गया करंट? ये साहब लाइट चिल्लू चला रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कोई गया दौड़ी दौड़ी से इन्हें गेट पकड़ा, गेट पूरे मकान में दौड़ गया करंट। कहाँ लाए हो अभी आप? ये मेडिकल, स्वास्थ्य केंद्र मेडिकल जहाँ मौत लाए सर। वहीं ग्राम प्रधान रामबाबू राजपूत ने बताया कि पिछले वर्ष भी इसी महीने में हाई वोल्टेज लाइन का तार टूटा था, जिसमें जनहानि के साथ ही कई लोग विद्युत करंट से झुलस गए थे। वहीं ग्राम प्रधान ने विद्युत विभाग की लापरवाही की पोल खोलते हुए बताया है कि कई बार वह विद्युत विभाग से इसकी शिकायत कर चुकी है, लेकिन विद्युत विभाग अपनी लापरवाही से बाज नहीं आ रहा, जिसकी वजह से यह जनहानि हुई है। फिलहाल में विद्युत विभाग के आला अधिकारियों की लापरवाही की शिकार एक महिला हो गई है और काल के गाल में समा गई है। फिलहाल में कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, फिर भी विद्युत विभाग सुधरने का नाम नहीं ले रहा। रामबाबू राजपूत, ग्राम प्रधान बसोबई। ये गांव में 11,000 का तार टूटकर ट्रांसफार्मर पर रख दिया, तो उससे 11 kV फिर दौड़ गई। आज पिछले वर्ष भी दौड़ गई थी, कल भी दौड़ी, पिछले साल भी इसी समय घटना हुई थी गर्मियों में, तो उसमें भी 4-6 लोगों को करंट लगा था। इस बार भी अभी 2-3 लोगों को फिर करंट लग गया, महिलाओं को। इसमें आज झुलसे 4 लोग। हाँ, ये मौत। हाँ, कल से कंप्लेंट कर रहे हैं, अभी सुबह जे हिसाब से बात हुई, कुछ सुनता ही नहीं हमने। भैया ये तार हटवा दो। कल एसडीओ साहब से की। एसडीओ ने क्या कहा था? तो बोले हम कटवा दे साहब, ट्रांसफार्मर बदलवा दे। हम पहले ट्रांसफार्मर तो बदल जाए अपनी जगह, जब तक लाइन को फॉल्ट नहीं मिलेगा तब तक ट्रांसफार्मर बदलने से होना क्या है।